कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। 80 लोकसभा वाले इस राज्य में जिसका परचम लहरा, जीत का रास्ता उसी की पार्टी का साफ होता है। अब उत्तर प्रदेश इतना अहम है तो सभी राजनीतिक दलों ने इसमें ताकत भी झोंक रखी है, और सबसे ज्यादा प्रियंका गांधी। ये 2019 की राजनीति की जीती जागती तस्वीर है। अयोध्या की पुरानी जमीन पर प्रियंका गांधी बैठी हैं और संवाद उस तबके से है जो कहने को आधी आबादी है लेकिन विकास के दौर में आज भी पीछे। लैया और चटनी और उसके साथ ये देखिए गुड़ प्रियंका गांधी को यहाँ पे खिलाया जा रहा है। प्रियंका ने रास्ते में रुक के तमाम महिला थी जो अनुरोध कर रही थी उनके घर आने के लिए, तो प्रियंका रुक गई। अभी चारपाई पर बैठ के तमाम महिलाएं हैं जो बैठी हुई हैं उनके साथ बैठ के गुड़ खा रही हैं, लैया खा रही हैं और चटनी। प्रियंका गांधी के मिशन यूपी का सबसे अहम पड़ाव अयोध्या है। रायबरेली से सुबह सुबह अयोध्या के लिए प्रियंका गांधी निकली और रास्ते में महिलाओं के साथ संवाद भी किया, रोड शो भी किया और जनसभा के जरिए निशाना भी साधा। मैंने सत्य उस किसानों की आंखों में देखा है जिसने मुझे कहा किसानों का कोई चौकीदार नहीं होता, चौकीदार अमीर का होता है। प्रियंका गांधी अब खुलकर मोदी पर हमला भी कर रही है क्योंकि इतना तो वो भी जानती हैं कि लोकसभा की जंग तेजी से आगे बढ़ चुकी है और किसी भी तरह की हिचक की गुंजाइश अब बाकी नहीं है। उन्होंने लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए, संविधान को नष्ट करने के लिए और संस्थाओं को नष्ट करने के लिए पूरी योजना बनाई हुई है, कोई ऐसी संस्था नहीं छोड़ी उन्होंने। राजनीति कांग्रेस को उस मोड़ पर लेकर आ गई है जहां प्रियंका गांधी को अयोध्या में दस्तक देना पड़ा है। प्रियंका गांधी का एक दिवसीय अयोध्या दौरा राजनीति में कांग्रेस की करवट बदलने का ठोस सबूत है। विंध्यवासिनी मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और अब अयोध्या, मंदिर दर मंदिर घूमती हुई प्रियंका की तस्वीर ने तस्दीक कर दी है कि हिंदुत्व और अयोध्या को दूर से नमस्कार करने वाली कांग्रेस अब रूट बदल चुकी है, अब हिंदुत्व के रास्ते पर निकल पड़ी है।